बार देखिए इस तरह से हम तोड़ करके देखे कितनी इसकी जो है, देखिए ये सॉफ्ट और कितनी ये क्रिस्पी जो हमारा देखिए ढेबरे जो बने। हम लोग ऐसे ही तलाश करते हैं जिसमें हमारी टेस्ट और हेल्थ दोनों ही भरपूर है, हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, तो वैसे नाश्ते के लिए आपके ढेबरे जो है बेस्ट ऑप्शन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आप लोग के साथ आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए ये रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं आज के रेसिपी। तो आज के रेसिपी जो है हम मेथी के सबसे अच्छे वाले जो रेसिपी है उसको बनाने जा रहे हैं। तो आज हम ढेबरे बनाने जा रहे हैं। तो ढेबरे में जो सबसे मेन रोल होता है वो हमारे मेथी का है। तो देखिए मेथी जो है आपको एकदम ताजी या फ्रेश मेथी लेनी है सीजनली, और उसके डंठल जो है एकदम ही निकाल देने हैं और सिर्फ पत्ते का ही यूज करना है। इससे भी जो है आपके ढेबरे में थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं आएगी, कड़वापन जो है इसका एकदम खत्म हो जाएगी। आपके घर के बच्चों को भी ये ढेबरे जो है वो फेवरेट हो जाएंगे, इतना बेहतरीन तरीके से है आज हम बनाएंगे और बहुत ही डिफरेंट टाइप के बनाएंगे। इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, इसके बाद आगे का हम प्रोसेस करेंगे ढेबरे बनाने के लिए। ठीक है, हम अच्छे से देखिए बारीक चॉप कर लिए हैं, इसे अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा हम मेथी को जो है वो भून लेंगे। भूनने से जो इसकी कड़वाहट है वो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसे आपको खाने में जरा सा भी कड़वाहट नहीं आएगी। आप चाहे तो इसे नमक लगा करके रख के इसका पानी निचोड़ के भी इसकी कड़वाहट खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर भून के बनाइएगा तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है ढेबरे में। तो सबसे पहले इसको थोड़ा भून लेते हैं। पैन और पैन को हीट कर लिए, इसमें एकदम थोड़ी सी हाफ टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाले हैं। और इसमें क्या करेंगे, हमें मेथी जो है सारे डाल देंगे इसको एक से दो मिनट सौते कर लेंगे। इससे क्या है मिट्टी का जो सारे कड़वाहट है वो एकदम खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको कड़वी नहीं लगेगी। तो इस तरह से चलाते हुए भी एक मिनट सौते कर लेते हैं। हमारा देखिए अच्छे से भून चुका है, इसके सारे पानी जो है वो सूख गए हैं। तो इसी स्टेज तक हमको मेथी को भूनना है। और देखिए ये हमारा परफेक्ट मेथी भून गया, इसका जो फ्लेम है ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये हमारा मेथी ठंडा हो रहा है भून करके। चलिए तब तक ढेबरे के लिए डो बना करके रेडी कर लेते हैं। ये ढेबरे के फटफट डो लगा लेते हैं। तो उसके लिए लेंगे हम एक कप ये आटा। आटा वजन में 200 ग्राम है। उसमें एक चम्मच हम डालेंगे सफेद तिल और एक चम्मच डालेंगे हम अजवाइन। लेकिन एक चीज और हम अपने ढेबरे में ऐड करेंगे जो हमेशा हम बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, और वो है खड़ा जीरा है एक चम्मच। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो चम्मच दही। तो जो ढेबरे का फ्लेवर होता है वो खट्टा मीठा होता है, तो दही जो है आपको दो से तीन चम्मच डालना है, लेकिन दही जो है फ्रेश डालना है और ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे मसाले। तो मसाले में जाएंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर जाएंगे इसमें, उसके बाद हाफ टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर, और उसके बाद एक चम्मच लिए हैं हमें गुड़ और दो चम्मच पानी डाल करके इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। और ये भी हमारे जाएंगे ढेबरे का डो में। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे तीन से चार चम्मच तेल या घी, आप जो खाते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद अब हम डालेंगे ये जो मेथी को भून करके रखे हैं उसको डाल देंगे। तो इस तरीके से आप ढेबरा कभी नहीं बनाए होंगे तो एक बार बना करके जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन इसका जो फ्लेवर है आता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। अब क्या करेंगे कि बिना पानी बिना दूध को इसको हम एक सख्त डो बना करके रेडी कर लेंगे। तो ढेबरे का जो डो है वो थोड़ा सख्त ही बनता है, तभी जो आपके ढेबरे जो है वो पूरा क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से मसाल के एक चिकना डो बना करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट डो हमारा जो बन करके रेडी है। इसमें हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ा, जो इंग्रेडिएंट्स डाले उसी से एकदम परफेक्ट डो हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अगर इस तरह से आप ढेबरे बना करके बच्चों को लंच में भी दीजिएगा तो हमेशा ही लंच बॉक्स आपको खाली ही मिलेंगे, इतने बेहतरीन लाजवाब टेस्ट के बनते हैं ढेबरे। तो ये हमारा ढेबरा का डो रेडी हो गया। अब चलते हैं इसे बेलने के प्रोसेस में, ढेबरे बेलते हैं। तो ढेबरे बेलने के लिए हम ये डो लेंगे और थोड़े से सूखे आटे लेंगे।
तो सूखे आटे के हेल्प से आप ढेवरे को बेलिए। उसके बाद बड़े बड़े साइज का पोर्शन लेना होगा, क्योंकि ढेवरे जो है वो मोटे ही अच्छे लगते हैं, मोटे बनते हैं। तो इसमें इसको नहीं चेंज करना है आपको, बड़े बड़े डो लेना है इस तरह से। अब क्या करेंगे कि पहले जितना हो सके आपने हाथों से आप फैला लीजिए इसको इस तरह से। इसके बाद इसको बेलिए। अगर ढेबरे आपके परफेक्ट नहीं बेलते हैं, थोड़े से फटने लगते हैं, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, इस तरह से पहले ढेबरे को अच्छे से सूखे आटे लगा करके बेल लेना है परफेक्टली। तो देखिए इसके जो किनारे हैं वो थोड़े थोड़े फट रहे हैं, तो उससे हमको टेंशन नहीं लेना है, बस हमको बेलते जाना है। तो ये हमारे ढेबरे जो है वो पूरी पराठे से आपको मोटे ही रखने हैं। तो ये देखिए, और मेथी के क्वांटिटी थोड़ा हम ज्यादा लिए हैं, उससे जो है ढेबरे में देखिए ज्यादा मेथी दिख रहे हैं, और खाने में इसका जो मेथी का फ्लेवर है वो ज्यादा आएगा। तो एकदम परफेक्ट आपके ढेबरे जो है वो बन करके इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इसको सेक सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली है। लेकिन अगर आप इससे भी परफेक्ट चाहते हैं तो इस तरह से किनारे वाला कोई भी प्लेट लीजिए, इसको इस तरह से बीच में रख करके और दबा दीजिए, और दबा करके इसको कट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके ढेबरे हैं एकदम परफेक्ट आपके राउंड शेप का निकलेंगे। तो देखिए ये इस तरह से काट लिए हैं, तो ये हमारे ढेबरे देखिए रेडी हैं। अब इसी तरह से दो तीन ढेबरे और बना लेते हैं, इसके बाद चलेंगे हम सेकने के प्रोसेस में। अरे ढेबरे हम देखिए बेल लिए हैं, बेल करके इस तरह से काट लिए हैं, ज्यादा न मोटे हैं न पतले हैं। तो ऐसे ढेबरे आप बेलिएगा तो खाने में बहुत है बेहतरीन लगता है और बहुत क्रिस्पी बनता है। अभी इसे चलते हैं हम सेकने के प्रोसेस में, सेक लेते हैं। तो उसके लिए एक लिए हैं तवा, तवा को मीडियम हीट हम कर लेते हैं और फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे। अब मीडियम हीट पे बिना ऑयल घी के पहले हम इसको डाल देंगे, और डाल करके हम मीडियम फ्लेम पे इसको सेकेंगे। और ढेबरे जो है आप घी में बनाइएगा तो आपका ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप घी में ही इसे बनाएं। अगर घी आप नहीं खाते हैं तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका बेहतर रिजल्ट आता है। अब एक तरफ सेक जाएगा तो हल्का सा, फिर दूसरे तरफ भी हम इसे पलट लेंगे, और फ्लेम जो है वो मीडियम ही हम रखेंगे ढेबरे को। लेकिन हम इसमें चिल्ली का यूज नहीं किए हैं, आप इसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा, उसी के टेस्ट में आज हम ये ढेबरे जो है बना रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो दोनों तरफ से देखिए इस तरह से प्लेट करके सेक लेना है। जैसे ही इसके में ऊपर से गोल्डन कलर के बैचेस आने लगेंगे, इसके किनारे से घुमाते हुए अच्छे से सेकेंगे दोनों तरफ से। अब इसमें हम घी डालेंगे, और घी डाल करके एकदम क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब इसमें हम घी डाल देते हैं, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और घी डाल करके और अच्छे से एकदम देखो, घी डालने से इसकी ना जो टेक्सचर है वो पराठे का एकदम बदल जाता है, क्रिस्पी और टेस्ट भी बहुत ज्यादा लाजवाब आता है। तो ढेबरे बनाने के तो आदमी के पास बहुत से तरीके हैं, बट इस तरीके से आप ढेबरे बनाइएगा तो आपको बहुत ही लाजवाब बनेगा, और इसे रोज रोज खाने का मन करेगा, इतना ये बेहतरीन बनता है। तो पूरी सर्दियां ये ढेबरे का मजा लीजिए, और बहुत बेहतरीन आपको जो है इसका खाने और बनाने में एक्सपीरियंस होगा, इतना बेहतरीन है ये। तो देखिए हमारा ढेबरा जो है वो बन करके रेडी है, देखिए कितनी क्रिस्पी और कितने अच्छे उसे सीके हैं। ऐसे चाहें तो बना करके आप ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, इसका लॉन्ग लाइफ होता है। तो ये 2 से 3 दिन के लिए आपके जो ढेबरे हैं वो खराब नहीं होंगे। अगर घी में आप बनाते हैं तो थोड़ा क्रिस्पी करके आपको इसको सेकना होगा। तो इसी तरह से ये ढेबरा देखिए हमारे सीख चुका है। तो इसी तरह से हम सारे ढेबरे को सेक लेते हैं। आप लोग के सामने सेक करके सारे रेडी है ढेबरे गर्म गर्म। तो ये ढेबरे आप ब्रेकफास्ट में एक दिन खाइएगा तो पर डे आपको यही खाने की इच्छा होगी, आपको इससे बोरिंग। तो ये आप लोग के सामने गर्मा गर्म गुजरात का प्रसिद्ध रेसिपी, हमारे ढेबरे जो हैं वो रेडी हैं। अभी अभी मेहंती का नई नई सीजन है, तो ऐसे सीजन में फ्रेश और ताजी मेहंती से आप इस तरह से ढेबरे बना करके खाइए तो बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन टेस्ट आता है। ये ढेबरे जो है बहुत ही हेल्दी है, और देखिए कितनी क्रिस्पी बने हैं। तो इसको एक बार आप तोड़ करके इस तरह से देखिए,
तो वाह, इतने बेहतरीन आपके ये ढेबरे बन करके रेडी हैं। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।